हेलो हेलो मैम, एवरीवन, आई एम व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू? हेलो मैं फाइन व्हाट अबाउट फाइन यू? एंड वी आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर एनिमल्स एडॉप्शन इन अनदर एनिमल्स। तो हमने लास्ट क्लास में पोलर रीजन, डेजर्ट एरिया में रहने वाले एंड अंडर द ओशियन, तो इन सभी में रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है फ्रेश वाटर एनिमल्स। ओके, यस बेटा, एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? नो मैम, नो मैम, नो मैम। ओके, तो चलिए अब हम लोग, नो मैम। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, तो सभी को ध्यान से सुनना है, ओके, क्योंकि एक हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। विमलेश बेटा, आप कोई बटन प्रेस कर रहे हैं? आपको कोई बटन प्रेस नहीं करनी अपनी तरफ से। चलिए, तो हम सभी ने बेटा देखिए पढ़ा था एडॉप्शन इन एनिमल्स, इनके अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो सबसे पहले हमने फॉरेस्ट एनिमल्स के बारे में, उसके बाद डेजर्टेड एनिमल के बारे में, एंड उसके बाद पोलर रीजन एनिमल्स के बारे में, एंड ओशियन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सभी को क्या पढ़ना है? फ्रेश वाटर एनिमल, दैट मीन्स कि ऐसे एनिमल जो फ्रेश वाटर में, ताजे पानी में ही रहते हैं। दैट मीन्स कि समुद्र वाले पानी में नहीं रह सकते लोग। अगर इनको यहां से ले जाकर के हम लोग समुद्र वाले पानी में छोड़ दें तो दे कैन डाई, वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ना यहाँ पर, ये लोग खारे पानी में, सैलाइन वाटर में नहीं रह सकते हैं ये जो यहाँ वाले एनिमल है, और इसलिए ही यहाँ पर जाने के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो चलिए अभी हम ये पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। ओके, यस मैम, देखिए स्टार्ट करते हैं। पोंड, लेक एंड रिवर्स आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज। तो देखिए, तालाब, झील और नदियां, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं वाटर बॉडीज के जहां पर कैसा पानी होता है? फ्रेश वाटर, ताजा पानी होता है, मीठा वाला, यहाँ पर सलाइन वाटर नहीं होता है। फ्रॉक्स एंड सैलामेंडर लिव इन फ्रेश वाटर एंड हैव वेब्ड फिट विच हेल्प देम स्विम। तो यहाँ पर देखिए, मेंढक और सैलामेंडर, सैलामेंडर जानते हैं आप सभी कौन होता है? नो मैम, नो। तो बेटा, सैलामेंडर ना एक लिजर्ड की तरह का एक एनिमल होता है, एक छिपकली की तरह होता है, लेकिन जो आपके घर में जो लिजर्ड होती है वो दीवार पे घूमती है, लेकिन यहाँ पर जो ये सैलामेंडर है, ये यानी ये भी एक छिपकली की तरह ही होता है। फिलहाल मुझे इसका हिंदी में नाम नहीं मालूम है। तो सैलामेंडर जो है ये एक छिपकली होती है जो पानी में रहती है, ओके, और मोस्टली ये ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर। तो ये दोनों ऐसे एनिमल हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और आपको पता है ये पानी में क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि अगर हमारे घर वाली मछली पानी में गिर गई तो वो बेचारी डूब के मर जाएगी। तो ये जो सैलामेंडर है एंड ये जो फ्रॉग है, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये लोग पानी में रह लेते हैं? दे हैव वेब्ड फिट, इनके जो पैर है ना वो वेब्ड होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, फ्रॉग के पैर देखे आप लोगों ने कैसे होते हैं? जैसे हमारे पैरों में, हाथों में फिंगर अलग अलग होती है, उसके पैरों में फिंगर अलग नहीं होती, बीच में एक झिल्ली सी लगी होती है। दैट मीन्स कि उसकी सारी उंगलियां ज्वाइंट होती हैं। देखा है ना आपने? यस मैम, वेब्ड फिट होते हैं, दैट इज व्हाई दे स्विम इन द वाटर। तो इसके वेब फिट होते हैं और जिसकी वजह से ये स्विम कर लेता है। सम वेराइटी ऑफ फिश आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, और इसके अलावा कुछ मछलियां भी हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। तो सैलामेंडर, फ्रॉग एंड सम फिश, ये कुछ एग्जांपल हैं ऐसे एनिमल्स के जो लोग फ्रेश वाटर में रहते हैं। ओके, अब आगे तो बेटा अब एक और ऐसी चीज देखिए, आपने फिलहाल अभी हो सकता है आपको पता ही ना हो, तो इन कोल्डर रीजन, दैट मीन्स कि जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे इलाके हैं जहां पर बर्फ रहती है मोस्टली, सम एनिमल्स सच एज पोलर बियर गो इन टू अ डीप स्लीप टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड। तो आपको पता है जो वहां पर पोलर बियर होता है वो डीप स्लीप में चला जाता है, यानी कि लगभग एक महीने के लिए नींद के लिए चला जाता है ये, और उठता ही नहीं है इतनी देर के लिए। तो ये लोग डीप स्लीप में क्यों चले जाते हैं? टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड।
तो जब ज्यादा ठंड होती है ना तो ये लोग क्या करते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल गहरी निद्रा में, और उठते नहीं है बहुत दिनों तक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीप स्लीप या फिर हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन होती है शीत निद्रा, दैट मींस की ठंडी लगने की वजह से ये लोग सो गए बहुत ज्यादा दिनों के लिए। तो कौन कौन है ऐसे जो ठंड में सो जाता है लगभग एक महीने तक, पोलर बियर। ओके तो ये जो एनिमल है पोलर बियर गो इन टू अ डीप स्लीप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। तो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए ये लंबी सी नींद पे चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को गाड़ियां तो मिलती नहीं कि ये किसी हिल स्टेशन पे किस सर्दियों के टाइम पे किसी गर्म प्रदेश में चले जाएं, तो इसलिए बिचारों को क्या करना पड़ता है, सो जाना पड़ता है बहुत लंबे टाइम के लिए। ओके यस मैम। चलिए तो अब आगे देखते हैं, दिस इज ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये ऐसी स्थिति जिस समय ये सो रहे होते हैं, दैट मींस कि वो लंबा सा टाइम जिसमें ये सोते ही रहते हैं, इज नोन एज हाइबरनेशन। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जिस टाइम पे ये लोग सोते हैं इसे क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, दैट मींस कि शीत निद्रा। ओके चलिए तो अब आते हैं, ये देखिए हाइबरनेशन एंड है एस्टिवेशन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो अब ये देखिए, अभी हम सर्दियों की बात कर रहे थे, अब आते हैं गर्मियों पे। ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मियों के टाइम पे सम एनिमल लाइक लंग फिश एंड क्रोकोडाइल गो टू स्लीप टू एस्केप द हीट एंड वाटर स्केयरसिटी। तो गर्मियों के टाइम पे कुछ जानवर ऐसे हैं जो सो जाते हैं। अब ये क्यों सोते हैं, ताकि इन्हें गर्मी से परेशानी ना हो, पानी की कमी ना हो इनके लिए, तो ये लोग इस समय सो जाते हैं। फिलहाल इनके पास ऊंट की तरह क्वालिटी तो है नहीं कि बिना पानी के चलते रहें, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जिस समय पानी की कमी होती है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब ये लोग लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं। तो अब देखिए कौन कौन है ये एनिमल्स, लंग फिश एंड क्रोकोडाइल। ओके यस मैम। ये देखिए क्या करते हैं, अपने आप को हीट एंड वाटर स्केयरसिटी, दैट मींस कि पानी की कमी से बचाने के लिए सो जाते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। दिस स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, तो सुस्ती की ये सिचुएशन, दैट मींस कि गर्मी के समय जब सो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु की निद्रा, ये है शीत निद्रा यानी कि सर्दियों में सोना, और ये है एस्टिवेशन दैट मींस कि गर्मियों में लंबे टाइम के लिए सो जाना। तो आपको दोनों में डिफरेंट पता लग गया। याद रखने हैं कौन सर्दियों में सोता है और कौन गर्मियों में सोता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके अब एक चीज आपको और पता है, जो आपके घर में जो लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है, वो भी कुछ टाइम के लिए सो जाती है। आपने देखा होगा जैसे ही अभी एक ऐसा पर्टिकुलर मौसम आता है कि वो हमें दिखना बंद हो जाती है, तो आप लोग सोचते हैं कि वो हमारा घर छोड़ के चली गई, ऐसे ही लगता है ना आपको। यस वो घर छोड़ के नहीं जाती, वो भी किसी दीवार के कोने में छुप के सो जाती है लंबे टाइम के लिए। एंड सेम ऐसे ही स्नैक भी करते हैं सांप भी, वो भी हमें गर्मियों में बरसात में दिखते हैं लेकिन सर्दियों में अचानक से गायब हो जाते हैं। तो कुछ स्नैक भी, मोस्टली सारे नहीं, कुछ स्नैक भी ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में, दैट मींस कि सोने चले जाते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। ओके यस मैम। तो अब हमें तुम अभी पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, पढ़ लिया है सभी ने ना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके यस मैम। चलिए तो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा नैना बारी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉपर आवाज जा रही है, जा रही है ना बेटा। यस मैम। चलिए तो अंचित से स्टार्ट करते हैं। यस अंचित, नाउ यू टेल, नेम सम एनिमल्स दैट लिव्ड इन फॉरेस्ट। रैबिट, स्नेक्स एंड रैट्स लिव इनसाइड नॉट फॉरेस्ट। यस टाइगर लायन एलिफेंट मंकी स्नेक्स एक्सेप्ट।
Yes. Oh, okay. Very good, beta. Rajpal, now you tell. Give some example of these animals. They lived in cold region or a polar region. The region of covered by the snow through polar bear, penguin, and seals found here. Animal from the polar region has thick skin lay of the bodies to keep warm and protect from cold. Yes, Shivanya, now you tell Vita, which animals have streamlined body shape? Fish, whales, sharks have streamlined body shape. Okay. Anushka, now you tell Vita, give some example of freshwater animals. Ma'am, some example of freshwater animal is fish, frogs, and salamanders. Okay. Fish, frog, and salamander. चलिए अब next question बताना है. Yes, Shikhar. Now you tell. Shikhar लग रहा है सो रहे हैं रजाई उड़ के. Yes, Shikhar. चलिए Shikhar एक बार. शिखर आपको बताना है व्हाट इज हाइबरनेशन. सम आल्सो सच एज टू आर इट्स हाइबरनेशन ऑन द कोल्ड हाइबरनेशन. Yes, Deepak, now you tell me what is hibernation. Simran, wait, beta, abhi aapse bhi pucha jayega. Wait, Simran. And sabhi mic off. During summer, some animals like lungfish, crocodile, eat lungfish, crocodile, and tiger. बेटा आपने आप क्या क्वेश्चन बता रहे हो, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड. यस यशवर्धन, नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज हाइबरनेशन. यशवर्धन एम आई कैन टेल. अभिनय वेट. यशवर्धन का नेटवर्क प्रॉब्लम है. यशवर्धन आवाज जा रही है आपको? बेटा माइक ऑफ करके बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा. इन द कोल्डन रीजन सम एनिमल्स सच एज पोलर बियर आर बियर्स गो इनटू डीप स्लीप. इट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द कोल्ड. दिस स्टेट्स इन एक्विटी इज नोन एज हाइबरनेशन. हाइबरनेशन. ओके आदित्य, नाउ यू टेल व्हाट इज एस्टिवेशन. During summer, some animals like lungfish and crocodile go to sleep. Is expand the head and water. Scarcity. These states and invite to the extravasation. ओके बेटा तो चलिए एक बार अभी फिलहाल इस टॉपिक को अभी छोड़ते हैं. एक बार अभी आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि फिर से आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके चलिए तो अब हम अकॉर्डिंग टू बॉडी फीचर. तो हम सभी ने देखा है कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बॉडी पैटर्न बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में. फिलहाल वो डेंजरस होते हैं, हमें उनको छूने का मन तो नहीं करता, लेकिन उनके बॉडी पैटर्न बहुत सुंदर लगते हैं देखने में. देखा है ना आपने कुछ एनिमल्स की बॉडी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है. जैसे कि अगर हम बात कर लें स्नैक की, तो स्नैक की बहुत सारे स्नैक ऐसे हैं जो कलरफुल होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर कलर लगता है उनका. फिलहाल हम उनके पास नहीं जा सकते हैं देखने के लिए, तो लेकिन कलर बहुत सुंदर लगता है उनका. तो अब हमें ये देखना है कि इनके जो बॉडी फीचर है, तो ये बॉडी फीचर क्यों दिए गए हैं, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या ये बॉडी फीचर इनके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं. ओके तो सबसे पहले स्केल्स.
कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे स्केल्स पाई जाती है, दैट मीन्स की धारियां पाई जाती है, जैसे आपने स्क्विरल को नोटिस किया होगा, देखा है ना सभी ने? यस मैम। स्क्विरल में धारियां होती हैं। यस मैम। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो स्केल्स हैं, और अगर हम लिजर्ड को भी ऑब्जर्व करें पास से, तो उसकी भी बॉडी पे स्केल्स पाई जाती है, मछली की बॉडी पे भी स्केल्स पाई जाती है, धारियां होती हैं छोटी छोटी। तो अब ये क्यों होती है? देखिए, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो अब ये देखिए, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, ये इन एनिमल्स की बॉडी पे स्केल्स पाई जाती है, धारियां पाई जाती हैं। ये क्यों होती है? वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। दैट मीन्स कि इनकी बॉडी से फिर वाटर लॉस नहीं होता ज्यादा, तो इनकी बॉडी से पानी ज्यादा नहीं निकल पाता है, एंड इसलिए इन्हें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। फिलहाल अभी हमने पढ़ा ही था कि जो क्रोकोडाइल है, ये भी कुछ टाइम के लिए, देखिए हमें बताया था, ये लंबी स्लीप पे चले जाते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर इनकी बॉडी पे स्केल्स ना हो तो ये सोते ही रह जाएंगे, पूरा पानी बाहर निकल आएगा इनकी बॉडी से। तो इनकी बॉडी पे स्केल पाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से ज्यादा पानी नहीं निकलता है, वाटर लॉस नहीं होता, एंड ये लोग सर्वाइव करते हैं। ओके, तो इनकी बॉडी पे जो धारियां पाई जाती है, ये इसलिए होती है ताकि इनकी बॉडी से ज्यादा पानी ना निकले। अब आगे देखिए, स्नेक शेड देयर स्किन रेगुलरली विच इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। तो आप सभी ने स्नेक को ऑब्जर्व किया होगा, वो अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देता है, देखा है आप सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मोस्टली जो स्नैक होते हैं ना, वो अपनी पुरानी खाल को छोड़ देते हैं और नए पहन लेते हैं। तो फिलहाल हमारी तरह कपड़े तो है नहीं उनके पास, तो उनको खाल से ही काम चलाना पड़ता है, अपनी स्किन से ही काम चलाना पड़ता है। हम लोग अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन जो स्नैक है ये क्या करते हैं, ये अपनी न्यू स्किन पुरानी उतार देते हैं, नई स्किन इनकी फिर से आ जाती है। अब द बॉडी ऑफ अ फिश इज ऑल्सो कवर्ड विद स्केल्स दैट आर वाटर प्रूफ एंड डू नॉट लेट वाटर कम इन कॉन्टेक्ट विद देयर स्किन। अब आगे देखिए, जो मछली है इसकी बॉडी पे भी स्केल्स पाई जाती हैं। अब इसकी जो स्केल्स हैं वो इनकी तरह नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पर वाटर लॉस हो रहा था, वाटर लॉस नहीं करने के लिए इनकी बॉडी पे धारियां पाई जाती हैं ताकि पानी ना निकले। लेकिन मछली के जो बॉडी पे जो स्केल्स पाई जाती हैं, जो फिश की बॉडी पे जो स्केल्स पाई जाती हैं, इनका क्या यूज है? दैट आर वाटर प्रूफ, यानी कि ये वाटर प्रूफ है, इनके थ्रू पानी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है मछली कहाँ पर रहती है? इन द पानी में तो पानी में रहती है, और इसलिए इसकी स्किन वाटर प्रूफ है, क्योंकि अगर वाटर प्रूफ नहीं होती ना, तो मछली पानी में तैरती रहती, इसकी बॉडी में भी पानी भरता जाता, यानी कि ये पानी से ही भारी हो जाती, और एक टाइम ऐसा आता कि इसकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता। तो इसलिए ही इसकी जो बॉडी है ये वाटर प्रूफ होती है, दैट मीन्स पानी अंदर नहीं जाता है इसकी बॉडी में, ये तैरती रहती है लेकिन पानी अंदर नहीं जाता है, और इसकी स्किन जो है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आती। ओके, यस मैम। तो अभी yes, देखिए स्केल्स के अलग अलग यूज हैं, कुछ एनिमल्स को गर्मी से बचाते हैं, कुछ एनिमल्स को पानी से बचाती हैं स्केल्स। अब आगे है शेल्स। सेल्स यानी कि अब ये जो इसकी सेल्स पाई जाती है, देखिए खाल ऊपर की, अब ये इसे कैसे प्रोटेक्ट करती है? फिलहाल ये इसका कवच होता है। अब आगे देखिए, स्नेल एंटोटॉइस। तो स्नेल यानी कि ये भी एक वाटर एनिमल है, एंटोटॉइस यानी कि कछुआ, आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सेल्स दैट कवर देयर बॉडी। तो ये अपने बॉडी को कवर, इनकी बॉडी को कवर करने के लिए इनके ऊपर सेल पाई जाती हैं। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे पुट देयर हेड एंड फिट इनसाइड देयर सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स। तो इन एनिमल्स को जब भी कभी ऐसा लगता है कि हम खतरे में हैं, तो ये क्या करते हैं? दे पुट देयर हेड एंड फिट इनसाइड देयर सेल्स। तो ये आगे से अपने सर को, पीछे से अपने पैरों को इसी के नीचे घुसा लेते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, अपने आप को बचाने के लिए। तो जैसे ही कोई खतरा लगता है, यानी कि कोई आ रहा है, तो ये क्या कर लेते हैं? अपने पूरे बॉडी पार्ट को, सर को और पीछे से पैरों को अंदर घुसा लेते हैं। फिलहाल बेटा आप सभी ने सुना होगा कि सबसे धीरे चलने वाला अगर कोई है वो कौन है? जो कि बहुत धीरे चलता है, यानी कि बहुत आसानी से इसको कोई पकड़ सकता है, कैच कर सकता है। कोई जानवर अगर चाहता है ना कि हम इसे पकड़ लें, तो इसे आसानी से पकड़ सकता है, और इसीलिए भगवान जी ने इसको एक क्वालिटी दे दी है।
आपको पता है ये जो इसकी स्किन है ये इतनी हार्ड होती है कि अगर आप इस पे हैमर से अटैक करें बहुत बार तब जाके ये टूटेगी, और इसलिए ही कोई जानवर अगर इसे पकड़ने की कोशिश करते भी हैं तो पकड़ नहीं पाते। क्या करते हैं ये, जैसे ही देखते हैं कोई खतरा आ रहा है तुरंत ही अपने सर को और अपने पैरों को घुसा लेते हैं और ऊपर से कोई जानवर कितना भी पुश करता रहे कुछ भी नहीं होगा, तो वो इस पर अटैक कर ही नहीं पाएंगे। ओके यस मैम। और इसपे की अगर इस पे कोई जानवर अटैक करना चाहता है ना, उनके पंजो जो उनके पंजे हैं वो इसमें पिंच ही नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से ये बच जाता है। ओके एंड बेटा आपको इसकी एक क्वालिटी और पता है, जो कछुए होते हैं ना, जब ये सबसे पहले जब ये जन्म लेते हैं, जब इनके अंडे निकलते हैं, तब क्या होता है, तो ये अंडे निकलने के बाद जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक ये पानी के अंदर ही रहते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी बाहर रहने वाला आदमी ये नहीं देख सकता कि ये किस स्टेज में बड़े होते हैं। जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक पानी के अंदर डूबे रहते हैं, और जब ये पानी से बाहर निकलते हैं तो बड़े होकर के निकलते हैं, यंग होकर के। ओके नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग लेग्स, यानी कि मजबूत पैर। अब देखिए कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, दैट मीन्स एनिमल्स लाइक जैब्रा एंड डियर हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। तो हिरन एंड जैब्रा इन दोनों के पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा हिरन कितनी तेज स्पीड में भाग लेता है ना। यस बहुत स्ट्रॉन्ग भाग लेते हैं क्योंकि इनके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं, एंड इनको तेजी से भागने में मदद करते हैं, दैट दे कैन रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स क्विकली। और इसलिए ये अपने प्रेडेटर्स से, दैट मीन्स कि अपने आक्रमणकारियों से जो इनके ऊपर अटैक करना चाहता है, ये उससे बच करके जल्दी से भाग लेते हैं। ओके फिलहाल डियर को तो देखा ही होगा, हिरन को रामायण में हिरन ही दिखाया था जिसके पीछे भगवान राम जी बाण लेके दौड़े जा रहे थे और वो भाग ही जा रहा था खुद के। यस मैम यस मैम हम देखे थे। यस मैम। तो ये बहुत तेज भाग लेते हैं क्योंकि इनके पैर स्ट्रांग होते हैं और ये इनको भागने में मदद करते हैं। यस मैम। चलिए तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद आप सभी से फिर क्वेश्चन पूछने हैं। ओके तो आप सभी रेडी रहिएगा। चलिए अब आगे फर और वूल। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे फर और वूल पाए जाते हैं, तो ये किस चीज में हेल्प करते हैं। शिप हैव वूल एंड बियर्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज। तो भेड़े ऐसी हैं जिनके शरीर पे ऊन पाए जाते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा ना, भेड़ों के शरीर पे बाल उगते हैं और उसी से ऊन बनाई। यस मैम। भालू भी देखिए, भालू की बॉडी पे भी बहुत सारे बाल होते हैं। कभी कभी जिसको हम जिसके बहुत सारे बाल होते हैं ना किसी पर्सन के, किसी बच्चे के, तो उसको कहते हैं भालू की तरह बाल है तुम्हारे। तो अब यानी कि जो बियर है उसके बहुत सारे बाल होते हैं एंड शिप के भी बाल होते हैं जिससे वूल बनाया जाता है। तो अब इनकी बॉडी पे बाल क्यों yes, है, सेम वही कंडीशन है। इन बिचारों के पास कपड़े तो है नहीं पहनने के लिए, तो ये सर्दी से कैसे बचेंगे, अपने बालों की वजह से ही। तो इनके जो बाल है ना ये इन्हें कोल्ड कंडीशन में बचाते हैं। तो शिप एंड बियर इन दोनों के बाल इन्हें सर्दियों से बचाते हैं। ओके दिस कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। यस मैम। तो ये जो कवरिंग है यानी कि इनकी जो खाल है बालों वाली, ये इन्हें ठंडी से बचाती है। ओके यस मैम। चलिए नेक्स्ट लास्ट रहा है और इसके बाद आप सभी को क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए सम एनिमल्स लाइक चमोलियन। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे चमोलियन, जैसे कि गिरगिट आप सभी ने देखा होगा। यस मैम। तो ये क्या करते हैं, ब्लेंड देमसेल्व्स विद देयर सराउंडिंग इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी स्पॉटेड इजली। तो जो चमोलियन है इसकी एक ऐसी क्वालिटी है, दे ब्लेंड देमसेल्व्स विद देयर सराउंडिंग। ये अपने आप को ब्लेंड कर लेता है, दैट मीन्स कि मिला लेता है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ये जहां बैठा रहता है उसी में खुद को मिक्सअप कर लेता है। इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी स्पॉटेड इजली, और इसीलिए इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं।
तो दे कैन नॉट बी स्पॉटेड इजली बाय प्रेडेटर्स. तो ये अपने आक्रमणकारियों से जो इस पर अटैक करना चाहता है वो जल्दी इसे पहचान नहीं पाता. तो आपने गिरगिट को देखा होगा ना, ये जहां भी बैठा होता है उसी कलर का हो जाता है. यस मैम. देख लीजिए. यस मैम. लीव्स के ऊपर बैठा है तो ग्रीन कलर का हो जाता है. कभी कभार ब्रिक्स के ऊपर बैठ जाता है, ईंटों के ऊपर, तो रेड कलर का हो जाता है. यस मैम. जहां भी बैठता है उसी कलर का हो जाता है. सेम. तो दिस टाइप ऑफ एडेप्शन इज कॉल्ड कैम्फुलेज. एडेप्शन के इस टाइप को क्या बोलते हैं? कैम्फुलेज. दैट मीन्स की रंग परिवर्तन करना, छलना किसी को. तो अब ये देखिए, ये फिलहाल ये क्वालिटी गिरगिट के ही पास है, हमारे पास नहीं है कि हम अपना कलर चेंज कर ले. हमें इसके लिए मेकअप करना पड़ेगा बहुत सारा. लेकिन गिरगिट के पास, चमोलिन के पास ये क्वालिटी है कि वो अपना रूप रंग बदल लेता है. देखा है ना आपने? यस मैम. अभी जो पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम. बेटा कुछ ही देर में ना मीटिंग एंड होने वाली है, मुझे लगता है शायद फिलहाल एंड नहीं हुआ था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है. तो मीटिंग एंड होने के बाद आप सभी को फिर से ज्वाइन करना है एक बार. ओके. यस मैम. चलो अभी इन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. तो व्हाट, यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अंचित को. यस अंचित, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द एनिमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी? क्रोकोडाइल एंड लेजर्ड हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज टू प्रिवेंट वाटर लॉस. स्नेक शेड देयर स्किन्स रेगुलरली विच इज रिप्लेस्ड अ न्यू वन. द बॉडी ऑफ अ फिश इज ऑल्सो कवर्ड बाय द स्केल्स दैट आर वाटर प्रूफ एंड डू नॉट लेट वाटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्किन. ओके. यस शिवान्या, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ सेल इन टॉयज? So, to tries to protect by hard cells that cover their bodies. When these animals sense danger, they put their heads and feet inside their cells to protect themselves. Okay, Anushka, now you tell beta. Ma'am, when these animals sense danger, they put their heads and feet inside their cells. Protect themselves. Okay, Yashvardhan, now you tell, what is camouflage? Animal like zebra and deer. No, some animal like chamla and blend them with their surround. It's such a that way that cannot be spotted easily. The type of action is called camouflage. Okay. Yes, Shikhar, now you tell beta. Yes, ma'am. Which animals gives us fur or a wool? Sheep and wool and bear. Sheep have wool and bear have fur on their bodies. The coverings protect them from cold. Shikhar beta, मैंने आपसे पूछा कि हमें wool and fur कौन देता है? आप तो उनको बता रहे हैं. अब हमें उनसे fur and wool मिलता है, उनके लिए क्या फायदा है ये नहीं पूछा. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? मुस्कान बेटा, माइक ऑफ कर लिया अपना. मुस्कान क्या लग रहा है? टेलीविजन चल रहा है, ये पढ़ भी रही है, टीवी भी देख रही है साथ साथ. यस मुस्कान, किस चीज की आवाज आ रही थी बेटा? डिस्कनेक्ट हो गई है मुस्कान. Yes, Rajpal, now you tell beta. Which animals have skin or scales on their body? Elephant.
दीजिए। बेटा एक मिनट, टाइम यहाँ पर टाइम ओवर होने वाला है, तो एक बार आप सभी फिर से ज्वाइन करेंगे, ओके? यस मैम। तो मीटिंग एंड होने के बाद आप सभी फिर से ज्वाइन करेंगे। यस मैम।